दोस्तों क्रिकेट का सबसे पुराना और लंबा फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता छोटे फॉर्मेट के आने से कम हो गई, लेकिन पुराने समय की बात करें तो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट का ही लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन 1971 में वनडे और फिर 2007 में T20 फॉर्मेट के आ जाने से लोगों की रुचि इसमें बढ़ गई। असल में आजकल हर किसी के पास समय की कमी है, ऐसे में 4-5 दिन तक टेस्ट देखने के बजाय फटाफट रिजल्ट मिलने वाले छोटे फॉर्मेट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे 5 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने वनडे और टेस्ट मैच में अपने नाम का लोहा मनवाया, लेकिन T20 फॉर्मेट का एक भी मैच नहीं खेल पाए। चेतेश्वर पुजारा। पुजारा ने अक्टूबर 2010 में बेंगलोर में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण के संन्यास के बाद से भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने के बाद अब तक चेतेश्वर पुजारा ने 70 टेस्ट मैचों की 118 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने 49.87 के औसत से 5,486 रन बनाए। टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूती देने वाले इस खिलाड़ी ने T20 में आज तक एक भी T20 मैच नहीं खेला। ब्रायन लारा। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा ने क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। 2004 में एंटीगा में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन बनाने के बाद लारा ने एक टेस्ट पारी में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इस दिग्गज ने 131 मैचों में 52.89 के औसत से 11,953 रन बनाए, जिसमें 48 अर्धशतक और 34 शतक और 9 दोहरे शतक शामिल रहे। लारा ने वनडे क्रिकेट में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने 289 पारियों में 40.17 की औसत से 10,405 रन अपने नाम किए, जिसमें 63 अर्धशतक और 19 शतकीय पारियां शामिल रही। लारा ने 2006 में टेस्ट और 2007 में वनडे करियर को अलविदा कह दिया था। सौरभ गांगुली। हम जानते हैं कि सौरभ गांगुली का नाम आपको इन खिलाड़ियों के साथ देखकर यकीन नहीं होगा, लेकिन दादा का नाम भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार है जिन्होंने आज तक T20 क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला। दादा को भारतीय क्रिकेट इतिहास में अच्छा जौहरी माना जाता है, क्योंकि अपनी कप्तानी के दौरान गांगुली ने कई महान खिलाड़ियों को बनाया। इस सलामी बल्लेबाज ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कर 188 टेस्ट पारियां खेलते हुए 42.18 की औसत से 7,212 रन बनाए थे। वहीं 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू कर 300 वनडे पारियां खेलते हुए 40.73 की औसत से 11,363 रन अपने नाम किए। इसी के साथ 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे और 2008 में आखिरी टेस्ट मैच खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। VVS लक्ष्मण। वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अपने नाम का लोहा मनवाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने एक भी T20 मैच नहीं खेला। लक्ष्मण ने वर्ष 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और आखिरी मैच 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वहीं वनडे में उन्होंने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया और 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच खेला, लेकिन इन्होंने एक भी T20 मैच नहीं खेला। दिमुक करुणारत्ने। श्रीलंका टेस्ट टीम के कप्तान व दिग्गज क्रिकेटर दिमुक करुणारत्ने भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने आज तक T20 फॉर्मेट में डेब्यू नहीं किया है। वह टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 62 टेस्ट मैचों की 121 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 36.93 की औसत से 4,321 रन अपने नाम किए, जिसमें 9 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 196 रन रहा। वहीं अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो करुणारत्ने ने 28 मैचों की 24 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 26.64 की औसत से 4 अर्धशतकों समेत 586 रन अपने नाम किए। इस श्रीलंकाई कप्तान ने आज तक T20 फॉर्मेट में डेब्यू नहीं किया।